किसान भैया, मूली की खेती कई तरह की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी मिट्टी इस समय आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है, तो रेतीली, दोमट, भुरभुरी, बलुई मिट्टी जो है, इसमें कंद का अच्छे से विकास होता है, तो मूली जो है वो समय से तैयार हो जाती है। आपको इसमें खेती करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि कौन सी मिट्टी में आपको परहेज करना चाहिए, तो भारी और ठोस मिट्टी में आप परहेज करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंद टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अच्छे से विकास नहीं करता है। जो मिट्टी का पीएच मान है 5.5 से लेकर के 6.8 तक का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आप 1 से 2 जुताई कर लीजिए, खरपतवार निकाल करके 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल दीजिए। ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है, अगर आपकी जो गोबर की खाद है वो छुड़ी हुई नहीं है, तो आगे चल करके जड़ है जो उसके रंग को ख़राब कर सकती है, तो आप गोबर की सड़ी हुई ही खाद डालें। अगर नहीं है सड़ी हुई खाद तो आप इसको ना डालें। फिर किसान भाइयों, आप ढेले अगर खेत में हैं तो उसको ढेलों को ठीक कर लीजिए, तुलाई कर लीजिए, 2-3 जुताई कर देंगे और ढेले नहीं बचेंगे, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। अब उसमें आप बेड बना लीजिए, अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब बात आती है कि कौन सी किस्में लगाएं जो कि अच्छा उत्पादन दें। नंबर वन पे जो है वो है सिजेंटा की आइवरी व्हाइट। यह जो किस्म है, इसकी जड़ें जो होती हैं लंबी होती हैं, साफ होती हैं, और फसल तैयार होने के बाद भी अगर आप इसको कुछ समय के लिए खेत में रोक देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक एक जो मूली है उसका वजन 600 से 750 ग्राम तक का होता है, तो यह किस्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और लंबाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, 10 से 12 इंच होती है एक फल की, और 40 से 50 दिन के अंदर जो यह किस्म है वो तैयार हो जाती है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है कैलाश की कोरियन। इसके जो जड़ का साइज होता है 35 से 40 सेंटीमीटर होता है, और यह किस्म 53 से 58 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है फार्मेसन बायोटेक की FB श्वेता। 40 से 50 दिन में यह किस्म तैयार होती है और कई सारे रोगों के प्रति यह किस्म रोग प्रतिरोधी होती है। तो आप इन तीनों में से कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए आपको 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको जो बीज है वो हाइब्रिड है तो आप कम बीज में भी खेती कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका बीज देसी है तो आपको 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होगी। बीज को उपचार करके बोएंगे तो कई तरह की जो समस्याएँ हैं वो नहीं आती हैं। अगर मैं बात करूँ कि कौन सी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो जैसे फंगस हो गया, जड़ गलन हो गया, या शुरू में रोग बीमारी आ जाती है, वो नहीं आएगी। लेकिन उससे बचने के लिए आपको बीज को उपचारित करना पड़ेगा। बीज को उपचारित करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, फनफूद नाशक ले सकते हैं, 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज को उसमें आप पानी में घोल करके बीज को भिगो दीजिए, फिर उसको आप किसान भैया छाया में सुखा करके बुआई करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। अगर आप बिड़ से बुआई कर रहे हैं, क्योंकि मूली की जो बुआई का तरीका होता है वो 2 तरह से होता है। पहला होता है छिड़काव विधि और दूसरी होती है लाइन विधि। जो छिड़काव विधि होती है उसमें किसान भाइयों, आप हाथ से ही बीज को बोते हैं तो कहीं पे पास कहीं पे दूर बीज पड़ता है, लेकिन अगर आप लाइन विधि से बुआई कर रहे हैं बेड विधि से, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी आप 40 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ये होता है सही तरीका। और आप, मैं बात करूं कि बुआई किस टाइम पे करें, किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, तो आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक काफ़ी आसानी से बुआई कर सकते हैं, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। और आप, जैसे मैंने कहा कि पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम बात करते हैं कि खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या होगा। देखिए, बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 30 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास, पोटास हम जो लेंगे वो MOP पोटास होगा, इसको डाल करके बुआई करना है। बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 लेना है 1 किलो। इसको आप 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करेगा, क्योंकि शुरुआत में जो पौधा है उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है, तो उन तीनों चीज़ों की जो पूर्ति है वो कर देता है NPK 19-19, उसको डाल दीजिए। फिर आपको एक सिंचाई करनी है, और उसके फिर से 10 से 15 दिन बाद आपको किसान भाइयों, जब आपकी जो मूली है 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो, तो उसमें किसान भाइयों आप 15 से 20 किलो यूरिया और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके डालेंगे, तो आपकी जो मूली है वो समय से तैयार हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि कौन सा स्प्रे यहाँ पे आपको करना चाहिए, तो 250 से 300 ग्राम आप फनफूद नाशक ले सकते हैं, और उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। पहला स्प्रे बुआई के 15 दिन बाद, और उसके हर 10 दिन बाद 40 से 50 दिन तक आपको हर 10 से 12 दिन के अंतराल पे आपको फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे कोई समस्या नहीं आती है, पौधे में बीमारी नहीं लगती है, पौधा तेज़ी से ग्रो करता है।